हे गाइस, दिस इज़ मी सुहानी, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली. इन टुडेज वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट क्लॉस्ट्रीडियल इन्फेक्शंस एंड अलॉन्ग विद दैट आई ऑल्सो बी कवरिंग गैस गैंग्रीन. गाइस, ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है इन दिस वीडियो लेक्चर वाला पार्ट. सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू सपोर्ट मी एंड द रिस्पॉन्स ऑन दिस वीडियो विल फर्दर डिसाइड कि मैं और इसमें प्रोसीड फर्दर करूँगी कि नहीं. सो इफ़ यू लाइक इट, डू टेल मी डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन प्लीज़. इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो प्लीज़. सो लेट्स स्टार्ट. सो गाइज, इसमें जो मैं कंटेंट आपको बताऊँगी वो सफिशेंट होगा आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए. अगर आप उसको उसमें लिखते हो तो यू विल बी स्कोरिंग द बेस्ट. एंड स्टार्टिंग विद द क्लॉस्ट्रीडियल इन्फेक्शंस, क्लॉस्ट्रीडिया बेसिकली ग्राम पॉजिटिव बैसिलाए हैविंग बल्जिंग स्पोर्स. And these are saprophytes that are found in soil, fresh water, decaying vegetation and sewage. Now the spores basically of Clostridium difermentis are oval and central spores. Clostridium perfringens have subterminal spores. मतलब जो पूरा bacilli होगा उसके एक end को थोड़ा सा distance छोड़ के इनके spores मिलेंगे. और Clostridium difermentis में bacilli oval होगा और उसके center में spores मिलेंगे. फिर जो नेक्स्ट हमारा क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाए होगा वो स्फेरिकल और टर्मिनल स्पोर प्रोड्यूस करेगा. और ओवरऑल जो अपेयरेंस आएगी वो ड्रम स्टिक अपेयरेंस आएगी. मतलब अगर ये हमारा बैसिलाए है तो इसके एक एंड पे हमारा स्पोर मिलेगा. फिर नेक्स्ट क्लॉस्ट्रीडियम टर्शियम में ओवल और टर्मिनल स्पोर मिलेगा. मतलब अगर हमारा बैसिलाए ऐसे है तो हमारा स्पोर एक ऐसे तरह होगा ताकि ओवरऑल एक टेनिस रैकेट की तरह इसकी अपीयरेंस बन जाए. उसमें स्पोर स्फेरिकल था टेटनाए में और टर्शियम में स्पोर ओवल है. फिर नेक्स्ट हम बताएंगे कि इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं और नॉर्मली ये इंटेस्टीन में एज नॉर्मल फ्लोरा एंड फौना. बट कई टाइम हो सकता है कि इसके कुछ मेम्बर्स इन्फेक्शन करवा दें. फॉर एग्जाम्पल क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, ये हमारे अंदर गैस गैंग्रीन करवाता है जो कि मेनली जिसकी इमेज आपको मैंने ऊपर दिखाई थी. जैसे कि ये बहुत सी गैसियस सी कलेक्शन हो जाती है सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर और वो टिश्यू फूल जाता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो. फिर जो हमारा क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाए होता है वो न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है टेटनस टॉक्सिन विच कॉजेज स्केलेटल मसल स्पाज्म. ये बहुत ही पावरफुल टॉक्सिन हो जाता है और ये हमारे मसल्स में स्पाज्म कॉज करवा सकता है, दैट इज़ रैपिड कॉन्ट्रैक्शन. फिर नेक्स्ट जो क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम होता है ये भी बहुत पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन होता है, बॉटुलिनम टॉक्सिन, दैट कॉजेज बॉटुलिज्म कैरेक्टराइज बाय फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ मसल्स. 3 क्लिनिकल फॉर्म्स होती हैं इसकी, फूड पॉइजनिंग, वूंड इन्फेक्शन और इन्फेंट बॉटुलिज्म. मतलब जो क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम होता है वो वाया फूड आ सकता है या हमारे वूंड, अगर कोई हमें चोट लगी है तो उसके एक्सपोजर से भी आ सकता है. और थर्ड किससे आ सकता है, इन्फेंट में. इन्फेंट में यूजली हनी के थ्रू ये बैक्टीरिया हमारे अंदर एंटर कर जाता है और फिर इन्फेंट में वही डायरिया वगैरह वाले सिम्टम्स ये कॉज करता है. और अगर एडल्ट्स में ये बॉटुलिनम टॉक्सिन आ जाए तो ये फ्लैसिड पैरालिसिस, मतलब मसल्स बहुत ढीली से हो जाते हैं. क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाए वाले इन्फेक्शन में जो मसल्स थी वो बहुत ज़्यादा टेंस हो रही थी और बॉटुलिनम में मसल्स बहुत ज़्यादा फ्लैसिड हो जाती हैं. फिर नेक्स्ट क्लॉस्ट्रीडियम डेफिसिल वाले इन्फेक्शन में ये करवाता है हमारे अंदर सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस. मतलब जो कोलन होती है उसके अंदर एक मेम्ब्रेन, एक सूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर देता है. सूडो मेम्ब्रेन मतलब झूठी मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर देता है, स्पेशली किन में, जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में है, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी इस बैक्टीरिया ने इम्यूनिटी को हराने का तरीका ढूंढ रखा होता है. तो क्लॉस्ट्रीडियम डेफिसिल उन मेम्बर्स को जाके इन्फेक्ट कर देता है क्योंकि वो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स खाते हैं और उनमें रेजिस्टेंस जो होती है इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट ख़त्म हो जाती है एंटीबायोटिक्स की. तो इसलिए ये इजीली उनको इन्फेक्ट कर देता है और उनमें इन्फेक्शन कॉज कर देता है, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस. फिर आगे चलते ही हम इसके पढ़ेंगे वायरुलेंस फैक्टर्स. वायरुलेंस फैक्टर्स बल्कि इसका मतलब वो होता है वो चीज़ें जो बैक्टीरिया यूज़ करता है होस्ट बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को हराने के लिए और उसमें डिसीज़ प्रोड्यूस करने के लिए. इसमें बेसिकली होते हैं 4 मेजर टॉक्सिन और 8 माइनर टॉक्सिन. 4 मेजर टॉक्सिन जो होते हैं वो होते हैं एप्सिलॉन, बीटा, अल्फ़ा और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं आयोटा. यहाँ मैं लिखना भूल गई, वो हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा. फिर होते हैं हमारे 8 माइनर टॉक्सिन जो कि होते हैं गामा, लैम्डा, कापा,
थीटा ईटा म्यू न्यू, इन सबके आप नाम अगर याद रखना चाहते हो तो रख भी सकते हो, अदरवाइज इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो है मेजर में से अल्फ़ा और माइनर में से थीटा, थीटा जो कि हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों मेन टॉक्सिन हैं, अदरवाइज अगर आपको वो याद रहे तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद रहते तो आप छोड़ भी सकते हो। फिर तीसरा टॉक्सिन जो ये रिलीज़ करता है वो होता है हीट लेबाइल एंटीरोटॉक्सिन, और चौथा टॉक्सिन होता है हिस्टामिन न्यूरोएमिनाइडेज बर्स्टिंग फैक्टर। जो बर्स्टिंग फैक्टर होता है वो बेसिकली पूरी बॉडी में फैल जाता है और इसको इसके सर्कुलेशन को हेल्प करता है, सर्कुलेटिंग फैक्टर भी इसी काम में मदद करता है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, मतलब जो ये बॉडी में चीज़ें सिम्टम्स कॉज करवा देता है। बेसिकली ये वूंड इन्फेक्शंस कॉज करवा देता है, जो बेसिकली तीन टाइप्स की होती हैं, सिंपल वूंड इन्फेक्शन, एनरोबिक सेलुलाइटिस और एनरोबिक मायोसाइटिस। सिंपल वूंड इन्फेक्शन का मतलब वो होता है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से वूंड को इन्फेक्शन कॉज करवाएगा, ज़्यादा डीप टिश्यू को इन्फेक्शन नहीं कॉज करवाएगा। जो एनरोबिक सेलुलाइटिस होती है उसका मतलब क्या होता है कि ये थोड़ा बहुत टॉक्सिन रिलीज करके फेशिया तक, जो मसल के ऊपर फेशिया होता है उस तक इन्फेक्शन करवा देगा, लेकिन मसल को ये अफेक्ट नहीं करेगा। एनरोबिक सेलुलाइटिस में मसल अफेक्ट नहीं होती है। फिर एनरोबिक मायोसाइटिस में क्या होता है बेसिकली कि गैस प्रोड्यूस कर देता है मसल के अंदर, और एज अ रिजल्ट बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं और मसल्स की नेक्रोसिस शुरू हो जाती है, तो एज अ रिजल्ट इसको हम बोलते हैं गैस गैंग्रीन, और बहुत सारा इडीमा भी इसके साथ होता है। तो सिंपल वूंड इन्फेक्शंस आर बेसिकली वूंड सर्फेस कंटेमिनेशन विदाउट इन्वेजन ऑफ अंडरलाइंग टिश्यू। एनरोबिक सेलुलाइटिस, इट इन्वॉल्व्स अ फेशियल प्लेन विद मिनिमल टॉक्सिन रिलीज विदाउट मसल इन्वेजन। एनरोबिक मायोसाइटिस में बेसिकली इट प्रोड्यूसेस गैस इन द मसल कंपार्टमेंट विद अबंडेंट टॉक्सिन रिलीज। तो ये बेसिकली होगी इसकी वूंड मैनिफेस्टेशंस। फिर नेक्स्ट जो इन्फेक्शन ये कॉज करता है वो होती है एंटेरिक इन्फेक्शन। एंटेरिक इन्फेक्शन मतलब बेसिकली ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को भी इन्फेक्ट करता है, और सबसे पहले उसमें कॉज करवाता है फूड पॉइजनिंग, मतलब फूड के थ्रू इसके स्पोर्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, और क्योंकि इसके स्पोर्स बहुत ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट होते हैं तो ये हीट से मरते नहीं हैं बहुत जल्दी, और एज अ रिजल्ट जब फूड ठंडा होता है तो ये स्पोर्स जर्मिनेट कर जाते हैं और फूड को इन्फेक्ट कर देते हैं। और मिनिमल इन्फेक्टिव डोज जो इसकी चाहिए वो होती है 10^8 बैसिलाई होने चाहिए हमारे फूड में, तो ये इन्फेक्शन कॉज करवाने की क्षमता इसमें होगी। अगर बाय चांस इसके कम है, इससे बैसिलाई इसके फूड में, और अगर बाय चांस 10^8 से बैसिलाई कम है हमारे फूड में तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या करता है, ये एक्ट करता है बाय फॉर्मिंग पोर्स इन द इंटेस्टिनल म्यूकोसल मेम्ब्रेन, और डायग्नोसिस हम करते हैं बाय डिटेक्शन ऑफ एंटीरोटॉक्सिन इन फीसीज बाय द एंजाइम इम्यूनोएसी। हम इसके फीसीज में टॉक्सिन को डिटेक्ट कर लेते हैं, कौन से मेथड से, बाय एंजाइम इम्यूनोएसी। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन, जो हमारी जीआई में कॉज करता है वो होती है एंटेराइटिस नेक्रोटिकेंस। एंटेराइटिस नेक्रोटिकेंस, और जो इसे हम बोलते हैं गैस गैंग्रीन ऑफ द बावल। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी मैनिफेस्टेशन है नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस, ये दोनों सेम इन्फेक्शन होती है। इसमें बेसिकली इस्कीमिया हो जाता है हमारे जेजुनम की वॉल का, सिर्फ फ़र्क दोनों में इतना होता है कि एक में टाइप सी स्ट्रेन करवाता है और दूसरे में टाइप ए स्ट्रेन करवाता है इन्फेक्शन, बाकी सब इसमें ऑलमोस्ट सेम होता है। जो थर्ड मैनिफेस्टेशन होती है वो होती है गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस, मतलब अपेंडिक्स का गैंग्रीन करवा देता है ये। ये बेसिक हमें तीन चीज़ें इसमें याद रखनी है, अलॉन्ग विद फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग फूड के थ्रू एंटर किया और इसने हमें क्या क्या करवाया, एंटेराइटिस नेक्रोटिकेंस, फिर सेकेंड क्या करवाया, नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस, और थर्ड क्या करवाया, गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस। बाकी भी क्लॉस्ट्रीडियम और भी इन्फेक्शंस कॉज करवाता है अपार्ट फ्रॉम स्किन इन्फेक्शंस एंड फूड इन्फेक्शंस। वो कौन कौन सी होती हैं, हमारी सबसे पहले बैक्टीरीमिया, मतलब बैक्टीरीमिया मतलब हमारे ब्लड में इसका काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे हम बैक्टीरीमिया बोलते हैं। सबसे ज़्यादा बैक्टीरीमिया क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस करवाता है, फॉलोड बाय क्लॉस्ट्रीडियम टर्शियम एंड क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिकम। ये बेसिक होते हैं जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया करवाते हैं, सबसे ज़्यादा परफ्रिंजेंस, देन टर्शियम, और इसके बाद सेप्टिकम। फिर इसके बाद ये हमें स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस भी करवा देता है, उसके लिए मेजर क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस और हिस्टोलिटिकम होते हैं। फिर ये हमें एंडोमेट्रियम की इन्फेक्शन भी करवा देता है, जो फर्दर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवा देता है।
और भी इन्फेक्शंस कॉज करवा देता है, जैसे मेनिंजाइटिस, ब्रेन एप्सिस और पेन ऑफ्थेलमाइटिस, मतलब बेसिकली ये हमारी आईज़ में भी इन्फ्लेमेशन कॉज करवा देता है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन की बेसिक डेफिनेशन, इट इज़ बेसिकली डिफाइंड एज अ रैपिड स्प्रेडिंग इडिमेटस मायोनेक्रोसिस अकरिंग इन एसोसिएशन विद सिवियरली क्रश्ड वूंड्स कंटामिनेटेड विद पैथोजेनिक क्लॉस्ट्रीडिया, पर्टिकुलरली क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। इसका मेन पैथोलॉजिकल एजेंट क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस होता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ इस्टैब्लिश्ड एजेंट। और भी बहुत सारे प्रोबेबल एजेंट्स होते हैं जो लेस कॉमनली इम्प्लिकेटेड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लॉस्ट्रीडियम हिस्टोलिटिकम, क्लॉस्ट्रीडियम स्पोरोजेंस और क्लॉस्ट्रीडियम फॉलेक्स। ये भी करवा सकते हैं लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि ये गैस गैंग्रीन में पाए जाएं। मेजरली क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस के ही हमें बैसिलाई मिलते हैं। गैस गैंग्रीन के और नाम भी हैं, फॉर एग्जाम्पल मैलिग्नेंट इडीमा और क्लॉस्ट्रीडियल मायोनेक्रोसिस, ये इसके दूसरे नाम हैं। पहले इसको इन नामों से जाना जाता था लेकिन अब इसका नाम बदल के गैस गैंग्रीन कर दिया है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस। ये बैक्टीरिया को बेसिकली चाहिए क्या होता है इन्फेक्शन कॉज करवाने के लिए? सबसे पहले एनोरोबिक एनवायरनमेंट, इसको इस्कीमिया चाहिए होता है इन्फेक्शन कॉज करवाने के लिए। और वो कैसे कैसे कॉज हो सकता है, या तो कोई मसल में क्रशिंग इंजरी हो जाए, या ओपन फ्रैक्चर ऑफ बोन्स हो जाए, या कोई बुलेट इंजरी, कोई भी एक्सोजेनस इंजरी हो जाए जिससे बेसिकली इस्कीमिया हो जाए हमारे टिश्यू में और उसकी ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाए। अगर ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सारी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी और एनारोबिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट होना चाहिए कंटेमिनेशन विद क्लॉस्ट्रीडियल स्पोर्ट्स, मतलब क्लॉस्ट्रीडिया के स्पोर्ट्स, चाहे वो कपड़े से आए, चाहे वो सॉयल से आए, किसी भी तरीके से आके वो वूंड के ऊपर इन्फेक्शन कॉज करवा दें और फर्दर वो फिर अंदर जर्मिनेट करके इन्फेक्शन वूंड की कॉज करवा देगा और गैस गैंग्रीन कॉज करवा देता। और रेयरली एक और फिनोमिना होता है कि नॉन ट्रोमैटिक गैस गैंग्रीन होती है, जिसमें बेसिकली हिमाटोजिनस सीडिंग होती है ऑफ द नॉर्मल मसल, मतलब ब्लड के थ्रू बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं और वो मसल में सीड हो जाते हैं, मतलब मसल में आके चिपक जाते हैं। इसमें बेसिकली ये किन लोगों में होता है, ये होता है इन पीपल विद कॉलोनिक मैलिग्नेंसी, मतलब जिनके जीआई ट्रैक में दिक्कत है, क्योंकि जीआई ट्रैक में एज नॉर्मल फ्लोरा भी ये पाया जाता है। तो एज अ रिजल्ट कि जब उसमें मैलिग्नेंसी आएगी, दिक्कत आएगी, तो उसकी वॉल रप्चर होगी और ये बैक्टीरिया ब्लड में एंट्री ले लेगा और उसके थ्रू वो डायरेक्ट मसल में जाके सीड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके वायरुलेंस फैक्टर। तो ये बेसिकली दो टॉक्सिन रिलीज करता है, पहला होता है अल्फा टॉक्सिन और दूसरा होता है थीटा टॉक्सिन। जो अल्फा टॉक्सिन होता है उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक तो फॉस्फोलाइपेज सी की और दूसरी स्फिंगोमाइलिनेज एक्टिविटी। जो हमारा अल्फा टॉक्सिन होता है वो क्या करता है, वो प्लेटलेट एडहीजन मॉलिक्यूल जो कि GP2B और 3A होता है और साथ के साथ न्यूट्रोफिल के रिसेप्टर CD11B और CD18 को एक्टिवेट कर देता है, एज अ रिजल्ट दोनों में एक तरह का एग्रीगेट बन जाता है और ये हमारी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करेगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड सप्लाई भी ब्लॉक हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जो हमारा अल्फा टॉक्सिन होता है वो क्या करता है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को सप्रेस करता है, एज अ रिजल्ट बॉडी का कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो हाइपोटेंशन, अगेन लीडिंग टू इस्कीमिया। ये इसके दो बेसिक मैकेनिज्म है एक्शन के। फिर नेक्स्ट होता है हमारा थीटा टॉक्सिन। थीटा टॉक्सिन बेसिकली वेसोडाइलेशन करवा देता है बाय एक्टिवेटिंग मीडिएटर्स। कौन कौन से मीडिएटर रिलीज करता है, एक प्रोस्टासाइक्लिन और दूसरा प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। ये दोनों मीडिएटर्स रिलीज करवा के वेसोडाइलेशन करवाएगा, एज अ रिजल्ट हाइपोटेंशन होगी, बंदे इंसान का BP कम होगा और नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यूज को फर्दर प्रमोशन होगी। फिर हम पढ़ेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ गैस गैंग्रीन की, गैस गैंग्रीन बेसिकली प्रेजेंट कैसे करता है। अब इसके बेसिकली इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग होते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस का इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 48 घंटे, मतलब ये एक दिन के अंदर अंदर या दो दिन के अंदर अंदर अपनी इन्फेक्शन के सिम्टम्स प्रोड्यूस कर देता है। फिर नेक्स्ट सेप्टिकम का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 2 से 3 दिन और क्लॉस्ट्रीडियम नोवेई का 5 से 6 दिन। फिर नेक्स्ट पता होना चाहिए कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होती हैं। सबसे पहले ब्रॉनी एडीमा और इंड्यूरेशन, मतलब टिश्यू बहुत ज़्यादा इडिमेटस और हार्ड हार्ड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इंसान को बहुत ज़्यादा ज़ोर से पेन होगा एट द इफेक्टेड साइट,
फिर वो इफेक्टेड साइट में बहुत ज़्यादा सीरोइंग्विनस डिस्चार्ज, जो कि बहुत बुरा स्मेल करने वाला डिस्चार्ज होगा, वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा और उसके साथ साथ गैस बबल्स, जिसको हम क्रेपिटस भी बोलते हैं, वो बनने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद शॉक और ऑर्गन फेलियर भी डिवेलप हो जाएगा, लेकिन वो थोड़े टाइम बाद डिवेलप होगा, साथ के साथ नहीं डिवेलप होगा। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लैब डायग्नोसिस, इसका कैसे करेंगे। हम स्पेसिमेन लेंगे जो कि नेक्रोटिक टिश्यू हो सकते हैं या मसल फ्रेगमेंट हो सकते हैं या एक्सुडेट हो सकते हैं फ्रॉम द डीपर पार्ट्स ऑफ द वुंड। इसमें हमें ध्यान रखना है कि कोई भी कॉटन स्वैब जिसमें हमारा कोई भी एक्सुडेट हो वो नहीं लिया जाता, इसमें इसको प्रेफर नहीं करते। फिर नेक्स्ट हम डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो हमें थिक बॉक्सकार शेप्ड ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई देखेंगे विदाउट स्पोर, और अगर हमें स्पोर दिखे तो वो हमारे दूसरे दो एजेंट्स जाने के क्लॉस्ट्रीडियम नोवई और क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिकम को इंडिकेट करते हैं। बिना स्पोर वाले स्पेसिमेन इंडिकेट करते हैं क्लॉस्ट्रीडियम परफ्यूजेंस के इन्फेक्शन को। फिर नेक्स्ट कल्चर मीडिया, इसको हम एनारोबिक कल्चर मीडिया में कल्चर करेंगे, लाइक रॉबर्टसन कुकमिक ब्रोथ, एग्योकगार, नियोमाइसिन ब्लड अगार, जो भी जितने भी एनारोबिक मीडिया हैं उनमें हम कल्चर करेंगे, इनको इंक्यूबेशन कर देंगे एनारोबिकली बाय गैस पैक एंड ऑक्सोमैट्स, एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करने वाले। एक और भी होता है हमारा मैकिनटोश फील्डे जार, वो सब चीज़ें हम यूज़ करके एनारोबिकली इंक्यूबेट कर देंगे। फिर नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए हम टारगेट हीमोलिसिस प्रीफर करेंगे, विच इज़ बेसिकली डबल जोन हीमोलिसिस। इसमें बेसिकली अंदर वाला जोन होता है विच इज़ ऑफ इनकम्प्लीट हीमोलिसिस बाय अल्फा टॉक्सिन, और बाहर वाला जोन होता है विच इज़ कम्प्लीट हीमोलिसिस बाय थीटा टॉक्सिन। तो ये याद रखना है। और नेक्स्ट नेगलर्स रिएक्शन होती है विच इज़ बेसिकली ऑफ पेलिसिन सराउंडिंग द लाइन ऑन द एग्योकगार। अगर हम क्लॉस्ट्रीडियम की एक लाइन लगा दें एग्योकगार में तो उसके आसपास हमें ओपेसिटी दिखनी शुरू हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं नेगलर्स रिएक्शन। और ओपेलसेंस जो होती है वो बेसिकली ड्यू टू लेसिथिनेज प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा टॉक्सिन, और अगर हम इसके अंदर एग्योकगार के अंदर अल्फा वन एंटीटॉक्सिन भी डाल दें तो हमें ओपेलसेंस नहीं दिखेगी, ये ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट होता है रिवर्स कैम टेस्ट, जो कि इस केस में हमें पॉजिटिव मिलता है। हीट टॉलरेंस टेस्ट इज पॉजिटिव, और लिटमस मिल्क में हमें स्टॉमी क्लॉट रिएक्शन दिखता है। स्टॉमी क्लॉट रिएक्शन इज बेसिकली ड्यू टू द फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टोज विच इज़ डन बाई द बैक्टीरिया, एंड जो उससे गैस प्रोड्यूस होती है उससे स्टॉमी क्लॉट रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। फिर नेक्स्ट पता होना चाहिए ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट हम सर्जिकली इंटरवेंशन करेंगे, जिसमें हम जितना भी डीवाइटलाइज टिश्यू है उसकी एकदम से रिसेक्शन करवा देंगे, उसको काट के फेंक देंगे। पर बारे को ऑक्सीजन थेरेपी भी करते हैं, जिससे क्या होगा, बहुत सारी ऑक्सीजन हम देंगे जिससे हमारा बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो मर जाएगा। फिर नेक्स्ट इसके साथ हम एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं दो, विच इज़ पेनिसिलिन एंड क्लिंडामाइसिन। फिर नेक्स्ट अल्फा वन एंटीटॉक्सिन सीरम दे सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स हेल्प करेंगे क्लॉस्ट्रीडिया के इन्फेक्शन को इन्वेड करने के लिए। सो गाइस, दिस वाज बेसिकली द क्लॉस्ट्रीडिया के ऊपर शॉर्ट नोट। अगर आपको एग्जाम में आए तो अगर आप इतना लिख दो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इससे ही मुझे पता चलेगा दैट आई शुड कंटिन्यू विद दिस और नॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।